हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर चैनल साइंस मीटर तो यार ये आपकी क्लास टेन स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन अटैम्प्टी है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर दो पार्ट्स थे ए पार्ट बी पार्ट तो पहले इसने बी पार्ट किया तो ठीक है आप ऐसे कर सकते हो एग्जाम में पहले बी पार्ट करो फिर ए पार्ट एक बार पढ़ लेता हूं मैं क्वेश्चन राइट इन टू फंक्शन ऑफ बाइल जूस कहा है तो इसने सबसे पहले यहां पे लिखा है इट हेल्प्स टू मेंटेन द पी लेवल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी गुड एंड मेक्स द मीडियम एल्कलाइन जो जो इंपॉर्टेंट थे इसने नीचे ना अंडरलाइन भी किए हैं जिससे ईजी हो एग्जामिनर को पढ़ने के लिए सो दैट्स अ हैक फॉर

सेकेंड कह रहे वे विच प्रोड्यूस बाइल जूस देखिए यहां पे इसने गड़बड़ कर दिया है सेकेंड uh, और थर्ड क्या है द पार्ट दार्टिच्रीट जूस कंटेनिंग ट्रिप्सिन एंड लाइफ दैट इज एक्चुअली पैंक्रियास तो यहाँ पे ये गलत हो गया और ये दोनों गलत हो गए ना तो यहाँ जीरो मिलेगा यहाँ जीरो मिलेगा और अगर फोर्थ पार्ट की बात करें फोर्थ में लिखा है द पार्ट फ्रॉम वेयर अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रीटेड तो इसके अंदर इसने लिखा है ये तो ठीक है एनएस करेक्ट तो इसका हाफ मार्क मिल जाएगा तो पूरे क्वेश्चन का गेट वन मार्क देखिए पे थर्ड पार्ट का आंसर होना चाहिए था लेबल सही किया बट ये वाली चीजें गलत है ना सेकेंड और थर्ड ये वाली चीजें गलत कर दी इस बच्चे ने लेबल ये लिवर ही है ये पैंक्रियाज है लेकिन सेकेंड पार्ट का आंसर पैंक्रियाज नहीं है थर्ड पार्ट का आंसर पैंक्रियाज है तो यहाँ पे फिर गलत हो गया तो इसलिए ही लॉस्ट वन मार्क तो आपको समझ में आ रहा है ये फोर मार्कर क्वेश्चन था सो टोटल हाउ मच ही गलतियां नहीं करनी है और प्लीज डोंट मेक रफ डायग्राम्स मेक हेल्प ऑफ पेंसिल एंड प्रॉपर ये जो जैसे जैसे क्वेश्चन में लेबल्ड है ना जैसे ये देखो ये एक्स्ट्रा शीट भी उसने किया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इसी हिसाब से इसी ऑर्डर में आपको आंसर करना है वहां पे ठीक है और हो सके तो प्लीज अंडरलाइन करो और जहां पे आपको लगता है क्वेश्चन आगे कंटिन्यू तो यूज पीटीओ प्लीज टर्न ओवर ओके ऐसे ही और टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना इस चैनल को ऑल द बेस्ट